देखिए दोस्तों, ये जो आपका ऑर्डरिंग है, इसमें सबसे पहले जो ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम श्योर। अब यहां से एक एक शब्दों को समझिए, लास्ट वर्ड को भी देखना है और साथ में इस ये जो चंक है इसका मीनिंग भी समझना है। आई एम श्योर, अब यहां सवाल पूछिए, आई एम श्योर, आप किस चीज के लिए श्योर हैं? यू आर श्योर फॉर वॉट? तो वॉट से सवाल बन रहा है और वॉट से जो सवाल बनेगा इसका जवाब नाउन होना चाहिए। तो अब इसमें नाउन कौन है, टेक्निक सीखना है हमें। तो यहाँ पे एंड जो है ये तो कंजंक्शन है, सूनर जो है ये हमारा एडवर्ब है, वेन ऑल जो है ये हमारा कंजंक्शंस का काम कर रहा है। तो हमें सब्जेक्ट के लिए नाउन चाहिए, तो यहाँ पे और डे जो है ये हमारा नाउन है। आई एम श्योर अ डे विल कम, मैं श्योर हूं इस बात के लिए कि एक दिन आएगा। अब यहाँ लास्ट में वर्ब है, अब वर्ब यहाँ इंट्रांजिटिव है, इसके बाद चाहे तो कंजंक्शन आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। तो डे विल कम के बाद एडवर्ब जो है यहाँ पे जो इसके लिए जो इसको डिस्क्राइब करेगा वो है सूनर और लेटर, समय बताने वाला एडवर्ब है कि मैं श्योर हूं कि एक दिन आएगा देर सवेर। कौन सा दिन, जब, तो समय को डिफाइन करने वाला जो यहाँ रिलेटिव एडवर्ब है वो है वेन। तो यहाँ पे उसके बाद एस होना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि वेन ऑल विल बी इक्वल, तो यहाँ विल बी इक्वल एंड एंड के बाद विल बी हैप्पी है। तो एंड के दोनों तरफ के फ्रेजेज या क्लाउजेज या वर्ड इक्वल रैंक के होने चाहिए। तो यहाँ पे एंड के पहले विल बी इक्वल एंड एंड के बाद विल बी हैप्पी, ये दोनों तरफ के ग्रामेटिकल रैंक्स इक्वल हैं। अतः इस वाक्य में आपका सही जो हो रहा है, आई एम श्योर किस बात के लिए, एक दिन आएगा, कब, देर सवेर, और उस टाइम को डिफाइन कर रहा है एस, यानी आर क्यू एस पी। अगर आपका जवाब सी है तो आप बिल्कुल सही बना रहे हैं। अब इसी तरह से एक दो क्वेश्चंस और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और मैं सिर्फ इन ऑर्डरिंग के माध्यम से सिर्फ आपको तकनीक सिखाने का काम करूंगा और इस तकनीक से आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा वो हर बार आप सवाल बनाते समय यूज करिए, हर बार आप सही होंगे। धीरे धीरे ये जो जर्नी है इसको आगे बढ़ाइए। ये देखिए आपके सामने मैं रख रहा हूं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चंस को, मैं क्वेश्चंस को इसमें थोड़ा नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं सिलेक्ट करके भी कहीं भी कोई क्वेश्चंस यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों एक नेचर का होगा, जरा देखिएगा। दे न्यू हिम, ठीक है, यहाँ इसको पहले पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जब आंसर आप अपना बना लें उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा, ठीक है। मैं तो अपना काम जारी रख रहा हूं, आप पॉज कर लीजिए और फिर सुनिए मेरे एक्सप्लेनेशन को। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो ओपनिंग सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है कि वे लोग उसे जानते थे, तो वे लोग उसे जानते थे। अब वे लोग उसे किस हिसाब से जानते थे, किस रूप में जानते थे, तो इस तरह से उस व्यक्ति को डिफाइन करने वाला यहाँ जो फ्रेज है वो है हमारा टू बी अ हार्ड टास्क मास्टर। वे लोग उसे एक हार्ड टास्क मास्टर के रूप में जानते थे, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों से कठिन काम लेता है। तो यहाँ पे आर हमारा जो है ये हमारा बिल्कुल सही है और इसके बाद आगे बढ़ना है उसके लिए इसके साथ लिंक करके देखिए अगला चंक कौन हो जाएगा, कि वे लोग जानते थे कि हार्ड टास्क मास्टर है, लोगों से बड़ा मेहनत वाला काम लेता है, लेकिन उन लोगों को बड़ा सरप्राइज हुआ, एस होना चाहिए। कब सरप्राइज हुआ, तो समय के लिए वेन से स्टार्टिंग क्लाउज होना चाहिए, जब उसने परमिट कर दिया उन लोगों को, क्या किस चीज के लिए परमिट किया, तो परमिट के साथ हम 2+V1 लगाते हैं, टू लीव वर्क अर्ली दैट डे। तो ये जो कहानी बन रहा है वो इस तरह से है कि वे लोग उसे जानते थे एक हार्ड टास्क मास्टर के रूप में, यानी आर होना चाहिए। इसके बाद अगला जो सीक्वेंस हो रहा है उसमें है एस, कि वे लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कब आश्चर्य हुआ, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मिल रहा है क्यों से, जब उन लोगों ने वह परमिट किया, उन लोगों को किस चीज के लिए परमिट किया, उस दिन समय से, काम से, मतलब जो एक्चुअल टाइम से पहले घर जाने के लिए, काम छोड़ने के लिए। तो ये हमारा बन रहा है सीक्वेंस इसमें सबसे पहला हो जाएगा आर एस क्यू
अर्थात बी हमारा सही जवाब है। तो इस तरह से आप एक एक क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके बनाइएगा। मैं अगले वीडियोस में आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ही वॉज नोन, इसको बनाइएगा। और एक बार आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को, आप ये क्वेश्चन नंबर 4 को भी बनाइए, ठीक है। दो आप बनाइए, दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। थर्ड और फोर को मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट, और दो और बताऊंगा। थैंक यू।